मैं दिलीप सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच लखनऊ, और मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ ये कि हिंदू आवाहनी में जितने लोग भी जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश करें, देश भर में हम लोग एक जागरूकता लाना चाहता हूँ कि जो भी हिंदुत्व के बल पे काम करेगा या उस संदेश पे काम करेगा, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आपको जैसे अभी मालूम पड़ा होगा कि अजय पाल शर्मा जी ने एक 6 साल की बच्ची की रेपिस्ट का एनकाउंटर किया, शूट कर दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं एसएसपी साहब को सलूट मारता हूँ कि ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है, और ऐसे इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में, जब जितने अपने देश में राज्य हैं उसमें मुख्यमंत्रियों की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका अभी प्रेजेंट टाइम काम करने का तरीका कैसा है, कैसा होना चाहिए? उनका जो काम करने का तरीका है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वो बहुत ही सुबह 4 बजे उठते हैं और कम से कम 16 घंटा काम करते हैं, और जितने हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद जी हैं, सबको बोलते हैं कि हमारे से ज़्यादा काम करिए, क्षेत्र में जाइए, हर जनता गरीब से जुड़िए, जो भी समस्या है वो मेरे पास लेके, जब मैं डायरेक्ट दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं खुद समस्या को सुनता हूँ, और कोई भी तकलीफ हो, मैं चाहे रात के 12 बजा हो, मैं खुद, मेरा नंबर चालू रहता है 24 घंटा, मेरा नंबर चालू रहता है, किसी की समस्या है कोई, या कोई परेशान कर रहा है, कोई गुंडा माफिया परेशान कर रहा है, तो मैं खुद स्वयं पहुँचता हूँ। जनता के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी का क्या विचार है? जनता के नेतृत्व में योगी माननीय मुख्यमंत्री का ये विचार है कि जितना बेहतर से बेहतर मैं विकास कर सकूं, जितना बेहतर से बेहतर मैं रोड बना सकूं, जितना बेहतर से बेहतर मैं किसान की मदद कर सकूं, जो भी उनकी समस्या है, तेल, खाद, पानी, जो भी समस्या है, वो मैं पूरी तरीके से उनके तक पहुंचा सकूं। सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जाके हर गाँव का सर्वे करते हैं जहाँ उनको डाउट आता है, उसके बारे में क्या कहना? वो सच बात है कि वो सर्वे भी करते हैं, और एक उनका हेल्पलाइन नंबर चालू है जिससे वो हर वक्त की फीडबैक लेते हैं। अपने आवास में उनका नंबर लगा हुआ है, किसी को जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट फोन कर सकता है। जी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।